हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फूडिंग पर। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ज्वार बाजरे की रोटी, जो गांव में होता है, जो रोटी बनता है बहुत मोटा मोटा और जो गांव वाले लोग खाते हैं। तो आज हम यहां पर बनाने जा रहे हैं कि वो कैसे बनता है। तो यहां पर हमने लिया है थोड़ा सा आटा, ज्वार और बाजरे का मिक्स आटा है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। जितना हमें रोटी बनाना है उतना ही हमें लेना है, क्योंकि ये आटे को फ्रिज में हम लोग रख नहीं सकते, तो इसको जितना चाहिए उतना ही लेना है। और एकदम सॉफ्ट आटा गूंदना है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हाथ से बनाना है, जैसे हम बेलन का उसका इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना है, हमें हाथ से बनाना है इस रोटी को बनाने के लिए। और एकदम अच्छे से, ये रोटी से भी एकदम ढीला, एकदम वैसा सॉफ्ट आटा चाहिए। रोटी के आटे से भी सॉफ्ट आटा बनता है इसका। ये देखो, ये हमारा आटा जो है तैयार हो चुका है। रोटी का आटा बनना के तैयार कर दिया हम लोगों ने, पूरी तरह से अच्छा एकदम मिक्स कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे रोटी बनाना शुरू करेंगे, जरूरत होगी वहां पे पानी डालते जाएंगे। इसको हाथ से ही गोला बना के और अच्छे से इसको जाना है ताकि ये हाथ में चिपके नहीं, और ऐसे इसको रोटी बनाते जाना है साइड से, शेप में करते जाना है अच्छे से। देखिए एकदम गोल गोल अच्छे से, और इसको एक खासियत है कि मिट्टी के तवे पे ही सेकना है। जब ये मिट्टी के तवे पे सेकते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका जो ये है आता है। ये देखिए, इसको मिट्टी के तवे पे डालना है, तवा हमने गरम करने रख दिया था पहले से ही, तो इसको स्लो और मीडियम आंच पे धीरे धीरे इसको सेकते जाना है। ये बहुत ही हैवी जो है खाना रहता है, बाजरे की आटी, बाजरे की रोटी, बाजरे या ज्वार की रोटी, ये बहुत ही हैवी खाना रहता है। और इसको जब हम लोग शहर वाले लोग खाते तो बहुत भूख भी नहीं लगती पूरे दिन तक, लेकिन गांव वाले जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, तो इसके लिए उन लोग को बहुत हैवी खाना चाहिए रहता। तो वो तो ये जो रोटी है, दो तीन रोटी कितनी भी रोटी खा लेते, हम लोग को इतनी नहीं बच सकती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, ये एक जो रोटी खा लेंगे हम लोग तो पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। ये देखिए, यहाँ से एक साइड से हो चुका है, अभी दूसरी साइड, तो इसको अच्छे से सेक लेना है हमें। दूसरा जो तरीका है बाजरे की रोटी बनाने का, वो है हम लोग इस पे जिस पे रोटी बनाते हैं उसी पे हम लोग आटा लगा लगा के ऐसे, इसको बेलन से नहीं बेलना है, लेकिन इसको धीरे धीरे इसको थप 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 करके ऊपर से ऐसे करते रहना है, थप थप के बनाना है इसको आटा लगा लगा के, क्योंकि ये चिपके नहीं। इसके लिए हाथ से जब हम करते हैं तो पानी लगाते हैं, लेकिन ये जब इस पे करते हैं तो हम लोग को आटा लगाना है, और इसको हाथ से ही करते जाना है। इसको बिल्कुल भी बेलन नहीं मारना है, क्योंकि बेलन से ये नहीं बेलेगा, अच्छे से नहीं होगा। इसको अच्छे से पूरा शेप देते जाना है,
और इसे थपथपा के ऐसे ही बनाना है। इसको अगर हाथ से नहीं जमता है किसी को तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से ये हो चुका है। चम्मच या तवा या किसी की भी हेल्प से इसको निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो रोटी हम लोग ने पहले डाला हुआ था वो भी रेडी हो चुका है, दोनों तरफ से सिक चुका है। इसको पलटा भी कर दिया हम लोग ने, ये बहुत अच्छे से सिक गया है। और ये हमने दूसरा रोटी डाल दिया, इसमें जो एक्स्ट्रा आटा है जो उसको हटा देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये बाजरे का रोटी तैयार हो चुका है, अब हम इसमें लगाएंगे घी, पूरा घी से पूरा तरबतर कर देंगे, जैसे गांव में लोग खाते हैं पूरा घी वगैरह सब। ये देखिए इसका ऊपर का जो है वो निकाल के इसके अंदर से घी लगाएंगे। ये देखिए इसलिए ये है खुराक जो रहता है वो हैवी रहता है, ऊपर से घी डालते हैं तो और ज्यादा जो है वो अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आग अगर आप हम इस रोटी को वो तवा हटा के ऐसे गैस पे डायरेक्ट करेंगे जैसे रोटी को सेकते हैं, तो ये पूरा फूल जाएगा और इसका पूरा जो ऊपर का जो पड़ है वो निकलेगा और इसके अंदर हम लोग घी डाल सकते हैं। इसको पूरा जो है ऊपर का जो है निकाल के इसको अंदर से पूरा घी से एकदम भर देंगे हम लोग। ये बहुत ही अच्छा लगता है, गांव में लोग ऐसे ही खाते हैं पूरा घी डाल के एकदम। और ये पूरा देसी तरीका है ताकि उसकी सेहत इसीलिए अच्छी रहती है क्योंकि ये लोग असली घी का और असली सारी चीजें खाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ज्वार बाजरे का रोटी और उड़द की दाल ये बिल्कुल हमने सर्व कर दिया है और बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमने सर्व किया है सलाद के साथ जो कांदा और मिर्ची और दही, और आप इसके साथ छाछ भी ले सकते हैं दही की जगह पे। और इसी तरह से आपका ये जो लंच का थाली बोलो या डिनर का थाली बोलो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गाँव वाले इसे बहुत ही मतलब ज़्यादा खाते क्योंकि उनको हेल्थी खाना खाना है और बहुत ही हैवी खुराक रहता है उनका। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अभी ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है तो ठंड में ये सब चीज़ें जो है वो बहुत हेल्थी हमारे जो खाना को बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनाता है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की रेसिपी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।